आप देख रहे हैं नंबर वन सुप्रा जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश गुगौरी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संस्थापक अजीत जोगी के निधन से रिक्त हुई मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए जेसीसी जे के साथ ही सत्ताधारी दल कांग्रेस और बीजेपी ने भी कमर कस ली है। उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा इस बारे में पहले से तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मरवाही का उपचुनाव, आपको ये भी बता दें कि इस उपचुनाव में हर दल जो भी है वो उसकी साख का सवाल यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में मरवाही के चुनावी दंगल के दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। मरवाही वो सीट है जिस पर साल 2003 से लेकर अब तक जोगी परिवार का कब्जा रहा है। यहाँ 2003 और 2008 में अजीत जोगी कांग्रेस के टिकट पर जीते, तो साल 2013 में अमित जोगी ने कांग्रेस के टिकट पर यहां पर जीत हासिल की, जबकि 2018 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से अजीत जोगी ने बाजी मारी। यहां अब जब अजीत जोगी के निधन से यहां उपचुनाव होने जा रहा है तो जेसीसीजे के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी यहां कब्जा हासिल करने की कोशिश में लगी है। खैर, यहां इस बार किस दल का दबदबा रहेगा इस पर विस्तार से बात होगी। साथ ही हम रुख मध्य प्रदेश का भी करेंगे, जहां 24 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का रोमांच लगातार जोर पकड़ रहा है। अब तक हम विधानसभा उपचुनाव वाली तमाम सीटों के सियासी समीकरण के बारे में आपको बता चुके हैं और आज हम आपको दतिया जिले के भांजे विधानसभा क्षेत्र लेकर चलेंगे, जानेंगे यहाँ मतदाताओं के मन में आखिर क्या है, दल बदल को लेकर वोटर्स क्या सोच रहे हैं और सबसे अहम अब की बार किस दल के प्रत्याशी के सिर जीत का सहरा बन सकता है। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं क्योंकि यहाँ पर साख का सवाल है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद रिक्त हुई मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के दो दिवसीय मरवाही दौरे से सियासी गलियारों में उपचुनाव की चर्चा होने लगी है। बीजेपी और जनता कांग्रेस में भी उपचुनाव की रणनीति पर बात होने लगी है। खैर, जोगी परिवार का गढ़ रहे मरवाही में होने वाले उपचुनाव में आखिर कौन बाजी मारेगा इस पर चर्चा की शुरुआत करें, चलिए उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मरवाही में उपचुनाव की जंग, जीत के लिए हर दल के बीच जद्दोजहद, बड़ा सवाल, क्या जोगी के गढ़ में किसी और पार्टी को मिलेगी कामयाबी? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब निश्चित तौर पर उपचुनाव का परिणाम आने पर मिलेगा। लेकिन मरवाही का मुकाबला अपने नाम करने के लिए जेसीसीजे के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। सत्ताधारी दल कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम फिलहाल मरवाही के दौरे पर ही हैं और उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर बूथ मैनेजमेंट की शुरुआत भी कर दी है। मोहन मरकाम के मुताबिक मरवाही उपचुनाव चुनौती है और कांग्रेस इसे चुनौती मानकर ही लड़ेगी। बूथ का हमारा जाबाज कार्यकर्ता, उसके दम पे चाहे मोहन मरकाम हो या चाहे माननीय भूपेश बघेल जी, उनके दम पे हम चुनाव लड़ते और हम कार्यकर्ताओं के दम पे ही चुनाव लड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता सक्षम है आने वाला जो भी चुनाव होगा उसका सामना करने के लिए। दूसरी ओर जोगी परिवार और बीजेपी के लिए मरवाही का उपचुनाव अपनी प्रतिष्ठा को बचाने वाला होगा। जेपीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि 29 जून को पिता अजीत जोगी की होने वाली श्रद्धांजलि सभा से पहले वो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनके मुताबिक अजीत जोगी मरवाही के लोगों के साथ पुत्र जैसा व्यवहार किया करते थे, ऐसे में ये माना जाएगा कि उपचुनाव अजीत जोगी ही लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी मरवाही में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। बिलासपुर सांसद अरुण साव और पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत मरवाही का दौरा कर कार्यकर्ताओं की बैठक ले चुके हैं कि मरवाही से केवल और केवल अजीत जोगी जी ही चुनाव लड़ेंगे, पर जोगी जी की जो असली और सबसे प्यारी संतानें हैं वो पेंड्रा, मरवाही और गोरेला के लोग हैं।
कांग्रेस की सरकार के खिलाफ माहौल है छत्तीसगढ़ प्रदेश में और ये चुनाव हम भारी बहुमतों से जीतेंगे। साल 2003 से लेकर अब तक जोगी परिवार के कब्जे वाली मरवाही सीट पर जेसीसीजे के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी की सक्रियता से ये तो साफ है कि यहाँ उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। अब जीत का ताज किसके सिर पर रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। साख का सवाल आज के इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। रायपुर से जुड़ गई हैं कांग्रेस प्रवक्ता किरणमयी नायक। किरणमयी जी बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता नरेश गुप्ता जी, गुप्ता जी आपका भी बहुत स्वागत है। जेसीसी जुए से प्रवक्ता भगवान नायक, भगवान नायक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रुख मैं भगवान जेसीसीजे के प्रवक्ता हैं उनका ही करूंगी मैं, आप भगवान नायक जी। भगवान नायक जी, क्योंकि वाकई में साख का सवाल है, दिवंगत अजीत जोगी के निधन की वजह से ये सीट रिक्त हुई है। सवाल सीधा और साफ, आपका प्रत्याशी कौन है? देखिए गौरी जी, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता, जनाधारी नेता माननीय जोगी जी के निधन के पश्चात पूरे छत्तीसगढ़ में शोक का लहर है। विशेष करके मारवाही की जनता और हमारी पार्टी जोगी परिवार में शोक है। और अभी तो हमारी कोई राजनीतिक सक्रियता है नहीं, हमारे नेता के निधन होने से हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके आदर्श, उनके प्रेरणा, उनको हम अपने ताकत बनाएंगे और राजधानी में उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 29 तारीख को हमारी पार्टी के द्वारा, जोगी परिवार के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। तो हम तो अभी राजनीति कर नहीं रहे हैं और कांग्रेस के पास तो 69 सीट ऑलरेडी पहले से ही है और बीजेपी भी आज जोगी जी के जैसे कि निधन कब हो जाए और वहां राजनीति की जाए ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। दोनों ही दल के जो नेता है वहां पर जाकर के वहां डेरा डाले हुए हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मारवाही जो सीट है वो जोगी जी का गढ़ रहा है। वहां पर जोगी जी के परिवार के साथ मारवाही की जनता का हमेशा एक पारिवारिक संबंध रहा है। जोगी जी कण कण में वहां पर बसे हुए हैं। उनके निधन के बाद उनके आदर्श, उनके प्रेरणा, उनके जो विचार है वो हमारी ताकत है और हम वहां पर ऐतिहासिक मतों से वहां पर विजयी होंगे। ठीक है, हालांकि अभी तक आप ये नहीं बता पाए कि आपका प्रत्याशी कौन रहेगा, किरणमयी नायक जी, क्योंकि वाकई में उपचुनाव होना है और जिस तरह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम वहां पे बूथ लेवल से लेकर तमाम दिग्गजों से समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ग्रासरूट लेवल पे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कह भी दिया है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, फिर भी वो नाम जानना चाहूंगी कि कौन इसे साख को क्लियर निकाल के लेके जाएगा। देखिए गौरी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी में पहले दिन से कभी भी नाम तय नहीं होते हैं और जो काम हमारे करने की रणनीति है उसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने शुरू की है। उसके लिए पहले बूथ लेवल पर बातचीत की जाती है, फिर बूथ लेवल से रिपोर्ट मंगाई जाती है, ब्लॉक लेवल से रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसके बाद जिला लेवल से जब रिपोर्ट आ जाती है तो बहुत ही व्यापक स्तर पर उसका पूरा लोगों का सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के बाद में जो प्रत्याशी होंगे उसको पार्टी टिकट देगी। इसलिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि वहां से प्रत्याशी कौन होगा। जो भी प्रत्याशी होगा वो ये मान के चलिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वहां चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ही वहां पर प्रत्याशी है और रहेगी और इसी रणनीति पर हमने ये चुनाव लड़ा था 2018 का और उसके बाद माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में दो उपचुनाव हम लोगों ने जीते हैं। अब हमारे जो 68 सीट थी हमने 69 कर ली है और अब ये 70वीं सीट ये भी निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी और इसलिए आप देखिए कि सबसे पहली पहल भी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। लग रहा था किरणमयी नायक जी की कांग्रेस भी तैयारी करके बैठी हुई है कि बस किसी तरह से मौका मिल जाए और चुनावी तैयारियां शुरू कर दी जाएं। आपके पास आऊंगी नरेश गुप्ता जी, आप लोगों के पास अच्छा खासा 15 साल का आप लोगों का कार्यकाल रहा लेकिन जो मौके पे चौका मारना था वो कांग्रेस मार के चली गई। बिलासपुर से पृथक उसने गौरेला, मरवाही, पेंड्रा बना दिया
आप लोग कहते रह गए लेकिन काम भूपेश सरकार करके चली गई, किस तरह से और किन वादों के साथ आप लोग जनता के बीच जाएंगे? गुप्ता जी मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, आपके पास लौटूंगी मैं। और आपसे फिर मेरा सवाल यही रहेगा कि जो दावे वादे किए गए थे रमन सरकार के वक्त, तो उन तमाम दावों और वादों को तो पूरा कर दिया भूपेश सरकार ने, अब आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहती है क्योंकि आप लोगों ने भी मरवाही में डेरा जमा के रखा हुआ है। किरण बी नायक जी आपसे मेरा सीधा सवाल है, मैं आपसे सवाल करूंगी लेकिन इस वक्त हमारे साथ है क्योंकि भोपाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। के जी क्योंकि साख का सवाल है और त्रिकोण जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, तो किस तरह से क्या लगता है आपको जो अजीत जोगी के निधन के बाद जिस तरह से ये जो सीट रिक्त हुई है या शोक की जो लहर है, क्या सिंपैथी वोट यहाँ पे लेके जाएंगे या फिर वाकई में अगर ये सीट अगर जेसीसीजे नहीं निकाल पाती है तो उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा? देखिए दो बातें हैं दोस्तों, पहला तो ये कि जो क्षेत्र है मरवाही पेंड्रा गोरेला ये पूरा क्षेत्र जो है अजीत जोगी के बहुत ही प्रभाव वाला क्षेत्र है और 2003 से जैसा कि आपने बताया लगातार अजीत जोगी और अजीत जोगी का परिवार ही वहां से जीतता आया है। अब दो बातें हैं, एक तो उनका प्रभाव, दूसरा उनके निधन के बाद होने वाला पहला उपचुनाव। तो हालांकि अभी तक ये रहा है उपचुनाव का जो ट्रेंड देखें कि जो सत्ताधारी दल है उसके फेवर में उपचुनाव जाते हैं और जैसा कि किरणमयी नायक बता रही थी कि अभी जो उपचुनाव वहां पर हुए हैं छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस ने ही जीते हैं। अब उनकी उम्मीद है कि जो 70वां उपचुनाव अब जो सीट के लिए होने 70वें सीट के लिए जो उपचुनाव होने जा रहा है वो भी वही जीतेंगी। हालांकि उन्होंने अभी से प्लेसिंग करना भी शुरू कर दिया और जो चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो सब शुरू कर दी, लेकिन मुझे लगता है मरवाही में जेसीसीजे का जो भी कैंडिडेट होगा उसको अजीत जोगी के निधन से उपजी जो सहानुभूति है जो सिंपैथी है उसका पूरा लाभ मिलेगा और वहां की जनता अजीत जोगी के जो निधन हुआ है वो भी अकस्मात ही कहेंगे, ऐसी कोई लंबी बीमारी उनको नहीं थी, अकस्मात गंगा का इमली खाते हुए उसका बीज उनके गले में फंस गया था और श्वास नली में फंस गया था, उसकी वजह से वो बीमार हुए और उसके बाद वो फिर वापस नहीं आ पाए। तो पूरी सिंपैथी के जो है वो जेसीसीजे के साथ मरवाही में उनके पास जाएगी। नरेश गुप्ता जी क्योंकि आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा था, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए आप अपने स्टूडियो आपको जी जी गुप्ता जी 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 हेलो गुप्ता जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है, अगर आपको मेरा मेरी आवाज मिल रही है तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपका, आपकी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज भी हमें प्रॉपर मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है ना? जी भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में जो प्रदेश में काम किया और 2003 में जो उन्होंने हमें सरकार सौंपी थी उसके तुलनात्मक हमने जो 10 साल के कार्यकाल और हमारे 15 साल के कार्यकाल और दूरवर्ती कांग्रेस सरकार जो हमने यहाँ में जो विकास काम किया है वो हमारी मूल अवधारणा है। गौरेला पेंड्रा बिना बनाना आधार नहीं होता, उसके साथ और बहुत सारी आधारभूत सुविधाओं का बात है और कुछ की जो चारों तरफ एनआरपी हो रखी है, हाहाकार मचा है, काम की कोई चीज नहीं है,
ये सारा हमारी मूलभूत होगी और हमारे सारे चुनाव को लड़ने के लिए हमारा संगठन का स्वरूप वो मूल आधारणा हमारी मूलभूत वहां पर हमारी एजेंसी रहती है और हम अपने संगठन के आधार पर और हमने जो 15 साल में जनता के विकास के लिए और देशी सुविधाओं में जो काम किया हमारी वो देशी चीज होगी चुनाव पे हमारे लिए। ठीक है, लगातार जिस तरह से महंगाई भी बेतहाशा बढ़ रही है ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है, लेकिन हालांकि क्योंकि उपचुनाव है तो पता नहीं कितना ये फैक्टर डालेगा। किरण मई नायक जी, सीधा सवाल, उम्मीद करूंगी कि क्योंकि आप स्पष्ट जवाब भी देती हैं, अंतागढ़ का बदला क्या मरवाही में ले लिया जाएगा? देखिए गौरी जी, यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत ध्यान देने की है कि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ कभी नहीं रहा मरवाही। दूसरी बात, मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है। जोगी जी जब भी जीते हैं तो इस पिछले चुनाव को छोड़ करके जोगी जी या अमित जोगी जी जब भी जीते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में जीते हैं, तो ये कांग्रेस का क्षेत्र रहा है। अब रहा सवाल, जो पिछला चुनाव जो माननीय अजीत जोगी जी ने जीता था वो उनका जनता कांग्रेस की पार्टी बनाने के बाद पहला चुनाव था। उनकी अपनी एक शख्सियत और अपनी एक वजूद था राजनीति में, तो वो अपना चुनाव यदि वो जीत गए हैं तो ये बिल्कुल एक अलग मुद्दा है, परंतु अब उनके जाने के बाद उनकी पार्टी या उनकी पार्टी से कोई भी व्यक्ति चुनौती जरूर रखेगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ कहीं दूर दूर तक मैदान में नहीं है। 15 साल के उनके अपने सरकार के कार्यकाल में भी वो उस सीट को जीत ही नहीं सके, वो तीसरे या चौथे नंबर पर रहे। और जो पिछला चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी ने जनता कांग्रेस के साथ एक तरीके से अघोषित गठबंधन था, तो वो उन्होंने एक तरीके से सरेंडर किया हुआ था। तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में केवल और केवल जनता कांग्रेस जोगी से जो भी प्रत्याशी होंगे, परंतु चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हमारी कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं की, जो मांगे बिना बोले वहां उन्होंने पूरा किया, गोरेला पेंड्रा को जिला बना करके, जिसके लिए माननीय अजीत जोगी जी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया था। तो क्षेत्र की जनता के बीच में अपनी योजनाओं को लेकर के कांग्रेस ने जो कार्यकाल नवंबर 2018 से शुरू किया है उसको क्षेत्र की जनता, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। इसलिए इस चुनाव में मारवाही की सीट हमारी 70वीं सीट साबित होगी और ये उपचुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या अंतागढ़ का बदला मारवाही में ले लिया जाएगा? जी देखिए, अब देखिए अंतागढ़ का बदला वाली क्या बात है, अंतागढ़ का बदला में तो वो जो पूरा परिप्रेक्ष्य था वो सारे लोग हाशिए में आ चुके हैं। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि अंतागढ़ में जो घिनौना काम किया था उसका नतीजा जनता ने उनको बहुत अच्छी तरीके से दे दिया। अब आज की तारीख में हम जो अपना चुनाव है अपने विकास कार्य और अपने उद्देश्यों को लेकर के लड़ेंगे, बदला लेना और उसके आधार पर राजनीति करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि अंतागढ़ के जो सूत्रधार हैं वो तो अभी हैं उनके वारिस, और ये चीजें जब चुनाव के समय में पब्लिक वहां पर बात करती है इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमको कांग्रेस को उसका स्टैंड लेने की जरूरत पड़ेगी। जनता के बीच जो बातें होती है, जो आपका अस्तित्व होता है, जो आपकी पहचान होती है, जो आपके क्रियाकलाप होते हैं, वो चुनाव के समय जनता पूछती है। ठीक जी, बिल्कुल। केके जी सवाल करना चाहेंगे, वो सवाल कीजिए सर। किरण मई जी, आपसे भी और गुप्ता जी से भी, दोनों से मेरा एक सवाल है कि ये जो उपचुनाव है इसमें जो सिंपैथी, जो सहानुभूति की जो एक बात जेसीसी जे के साथ रहेगी, उस सहानुभूति की लहर से आप किस तरह से, आप दोनों ही पार्टियां किस तरह से निपटेंगे, इसका कोई योजना आपके पास है क्या? देखिए गुप्ता जी, जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, मैं अभी फिलहाल बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये बात है, और आप जो कह रहे हैं उसमें मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जोगी कांग्रेस का पूरा अस्तित्व माननीय अजीत जोगी जी के से शुरू था और उन्हीं पर खत्म था। अब अजीत जोगी जी के बाद उनके सहानुभूति लहर
ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितनी सहानुभूति रहेगी और कैसी लहर रहेगी, और असल चीज उस लहर के नौका पर कौन सवार होता है, क्योंकि लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट कौन है। और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि मैं अभी 29 जून के बाद ही कोई राजनीतिक बात करूंगा, तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी, क्योंकि चुनाव केवल एक लहर के भरोसे कोई नहीं जीत सकता। वो जमाना था इंदिरा जी का और नेहरू जी का कि केवल पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल को दे देने मात्र से किसी भी व्यक्ति को चुनाव पे खड़ा कर दो, नाम मात्र के व्यक्ति को, और चुनाव जीत जाते थे। परंतु आज की तारीख में लोग कैंडिडेट की पर्सनालिटी को, उनकी फिगर को, उनकी वर्किंग को, इनको भी देखते हैं, उनके सिंबल को भी देखते हैं, और सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको भी देखते और परखते हैं। और जो अपनी बातों को कहकर पूरा करा सकता है क्षेत्र की जनता के लिए, इसको भी सामने में रखती है जनता। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वर्तमान हालात में मरवाही चुनाव में सहानुभूति लहर का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा, परंतु बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है। ठीक है, किरण मई नायक जी, जिस तरह से आपने कहा कि वो जमाना गया इंदिरा जी का, नेहरू जी का, कि चेहरा देख के लोग वोट कर दिया जाते कर देते थे और चुनाव लड़ लिया जाता था और जीत भी जाया करते थे, लेकिन 2014 से समीकरण बदले हैं। एक चेहरे पे वोट भी दिया गया है, सत्ता पे लोग काबिज भी हुए हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। भगवानु नायक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, और मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि किरण मई नायक जी ने अपने ही जवाब में उन्होंने कहा है कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है, जोगी फैमिली का गढ़ नहीं रहा है। वो जितने बार भी चुनाव जीते हैं, चाहे अजीत जोगी हो, फिर अमित जोगी हो, वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव जीते हैं। और ये एक अलहदा बात है, क्योंकि अजीत जोगी जैसी सी जय के बाद जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तो उसके बाद वो चुनाव जीते, वो एक अलग चीज है, क्योंकि अब अजीत जोगी भी नहीं है, पूरी पार्टी अजीत जोगी के इर्द गिर्द घूमा करती थी। ऐसे में अब आप लोगों की दिक्कतें, मुश्किलें क्या नहीं बढ़ेंगी? आप लोगों के पास क्या विकल्प रहने वाला है? फिर देखिए गौरी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इतिहास गवाह है कि राज्य गठन होने के बाद से मारवाही की जो सीट है वहां से लगातार जोगी परिवार या जोगी परिवार का कोई सदस्य वहां से जीता है। देखिए, जब पहली बार रामदयाल उइके जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, उन्होंने जब सीट खाली किया तो जोगी जी लगातार वहां से जीते, कांग्रेस का गढ़ बन गया। उसके बाद जब जोगी जी जनता कांग्रेस नई पार्टी बनाई, तो मात्र 2 माह पहले हमें एक चुनाव चिन्ह मिलता है, हल चलाता किसान, और जोगी जी फिर वहां से जीतते हैं। मारवाही की जो जनता है उन्होंने कभी किसी दल को या कोई चुनाव चिन्ह को नहीं देखा, वो जोगी परिवार पर विश्वास करती है, अजीत जोगी पर विश्वास करती है। और अजीत जोगी जी ने जो दिल्ली से संचालित होने वाली जो पार्टी है या जो नागपुर से संचालित होने वाली जो पार्टी है उनसे दूरी बना करके, या वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ समृद्ध बनाने के लिए यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए, उस उद्देश्य से इन्होंने ये पार्टी बनाई। उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है छत्तीसगढ़ की जो जनता को, छत्तीसगढ़ को देश विदेश में जो एक नई पहचान दी है, एक नया काम जो किया है, उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा आने वाले समय में। और छत्तीसगढ़ जनता पार्टी का, जनता कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल है, और श्रद्धांजलि के रूप में एक एक वोट अजीत जोगी जी की पार्टी को, उनके परिवार का सदस्य अगर कोई लड़ता है उनको, या जनता कांग्रेस के समर्थित कोई अगर सदस्य या कोई कार्यकर्ता लड़ता है, वो यहाँ से ऐतिहासिक रूप से जीतेगा। और जो दोनों ही दल के जो लोग जो सपना देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल के सपने की तरह रह जाएंगे। ठीक है, खैर वो तो वक्त बताएगा कि किसके सपने मुंगेरी लाल की तरह ध्वस्त होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल एक ये भी है कि जब 2018 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे, तब आपका जो अलायंस है JCCJ का, वो BSP के भी साथ था। अब इस वक्त BSP की क्या भूमिका रहेगी? और जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि आप बीजेपी, मतलब JCC जो है BJP की बी टीम है, और कांग्रेस BJP भी यही आरोप लगाती आई है कि JCC जो है कांग्रेस की बी टीम है, तो इस स्थिति में चुनौती तो आपके लिए ज्यादा है। देखिए, चुनौती तो हमेशा रही है जोगी परिवार को, रही है जोगी जी को, रही है, लेकिन जोगी जी एक संघर्ष व्यक्ति थे, उनकी पार्टी भी संघर्ष करेगी निश्चित रूप से। दोनों ही पार्टी हमारी पार्टी से भय खाते हैं,
लगातार जोगी जी के ऊपर हमेशा आरोप लगाते गए, जन्म जाति पर, अंतागढ़ पर, ऐसे कई झूठे मामले हमारे ऊपर लगते रहे, लेकिन माननीय न्यायालय, न्याय का जो सबसे बड़ा जो मंदिर है, हमेशा वहां से न्याय मिला, जनता ने हमें न्याय दिया, हमारी पार्टी स्टेब्लिश हुई, बहुत कम समय में हमारी पार्टी को 14% वोट मिलता है, हमारे अलायंस को जो है 7 सीटें मिलती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। आने वाले समय में मारवाही से हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, जोगी परिवार का कोई सदस्य अगर वहां पर कैंडिडेट होता है वो जीतेगा, या हमारी पार्टी का कोई समर्थित कोई कैंडिडेट होता है तो वो वहां से जीतेगा। मैंने पहले भी कहा और अभी तो पूरे प्रदेश में जोगी जी का लहर, उनके आदर्श, उनके व्यक्तित्व, उनके निधन होने से पूरे प्रदेश में शोक का लहर है और जोगी जी को श्रद्धांजलि के रूप में मारवाही की जनता एक एक वोट उनको देगी और हमारे पार्टी को जिता कर लाएगी। ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो सिंपैथी की जो लहर है वो किसके फेवर में सबसे ज्यादा जाती है, विकास के फेवर में जाती है या सिंपैथी लहर यहाँ पे होती है। नरेश गुप्ता जी, आपका रुख करूंगी, कांग्रेस का गढ़ रहा है मरवाही, इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं और जग जाहिर है। फिर उसके बाद क्योंकि मरवाही में जोगी परिवार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीतता आया है तो वो मतलब एक तरह से जोगी का भी गढ़ हो गया ये कहा जाता है। 1.5 साल में जो तमाम जो वायदे थे, इससे पहले भी जब मैंने सवाल किया था मेरा सवाल भी यही था कि जो वादे रमन सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए, 1.5 साल में सीधे सीधे वो तमाम चीजों को जमीनी धरातल पर भूपेश्वर सरकार ने उतार दिया। आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेके आप मरवाही के चुनावी संग्राम में उतर रहे हैं, आपका चेहरा कौन होगा? न्याय जी ने एक समय पहले की इंदिरा जी और नेहरू जी के समय में पार्टी के आधार पर चुनाव जीत जाते थे, पार्टी सिंबल के आधार पर, तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जो सेंटेंस बोले उसका आकलन कर ले, उनके सरकार का परफॉर्मेंस, नेतृत्व का परफॉर्मेंस और कैंडिडेट का परफॉर्मेंस और कैंडिडेट का फेस, ये जो बोल रही है यदि उसको उस रूप में एक्सेप्ट करती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उस बात के साथ आगे आपको एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में वादे किए थे उसको पूरा किया। कांग्रेस के लोगों ने कहा हमने हम 5000 रुपए देंगे मंगाए है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, शराब बंद करने की बात की थी शराब बंद नहीं की, और तो और शराब को तो जिस रूप में बेचा इन्होंने बड़ा हास्यास्पद लगता है, जो इस कमिटमेंट के साथ आई है कि हम शराब बंदी करेंगे वो यह बात करती है कि शराब तो हम बंद ही करेंगे, आपने कहा बंद किया था, हम बंद करेंगे लेकिन बंद करने की नीयत नहीं दिखती है और शराब को बढ़ाया जा रहा है जिस रूप में, हम तो रायपुर जैसे शहर में देखते हैं यहाँ पर सब चीज कंट्रोल करना बड़ा आसान है लेकिन कंट्रोल है स्विच कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन में भी शराब बहुत आसानी से उपलब्ध था इस प्रदेश में, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें, और इस प्रदेश में इस सरकार ने भय और आतंक का जो माहौल बनाया इस प्रदेश में, सब कुछ रेत माफिया, शराब माफिया, ये सब माफियाओं के हाथ में सरकार जा चुकी है। आप सोचिए रेत को लेकर एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मारने की स्थिति आती है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। आप सोचिए एक कोई गलती, कहीं गलती कोई करे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों पर काम किया जाता है, बड़ा हंसी मजाक हो गया है। खैर ये तो हर सरकार में होता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, आप तो बताइए ना कि मरवाही में आपका क्या मुद्दा रहने वाला है? लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, बताइए ना मरवाही में आपका क्या मुद्दा रहने वाला है? फिर अगर न्यायालय का कोई मतलब नहीं है, गुप्ता जी सब जुड़ाई है, गुप्ता जी बात बहुत दूर तक लग जाएगी, सब्सिडाइज है जो किसी के व्यक्तिगत कंट्रोल में नहीं है, जो जुडिशरी के कंट्रोल में है। मैं तो सबसे बड़ा सवाल इस सरकार से करता हूँ, जिनके पॉकेट में झीरम घाटी की घटना का साक्ष्य उपलब्ध था वो साक्ष्य नहीं दे रहे हैं, मतलब वो आरोपी है, अपराधी है। कहा झीरम घाटी पे जा रहे हैं, झीरम घाटी पे जाएंगे गुप्ता जी, झीरम घाटी पे जाएंगे तो लोग अच्छे दिन की भी बात करेंगे, फिर अच्छे दिन की बात करेंगे तो आपदा को निकाल कर देने में क्या दिक्कत है? गुप्ता जी सुन तो लीजिए, अगर आप झीरम घाटी पे जाएंगे तमाम चीजों पर जाएंगे, खराब कर रहे हैं मुद्दे के जवाब नहीं देंगे, आइए ना मुद्दे की बात का जवाब नहीं देंगे, गौरी मैडम हमारी बात सुन लीजिए, आप तो आप मोदी जी के चेहरे पे सारे स्टेट का चुनाव क्यों हार गए इसका भी जवाब दे दीजिए,
मोदी जी का ही चेहरा था, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में सूपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। 15 साल वाली सरकार 15 सीट के लायक नहीं बची। जिस मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं वो केवल खरीद फरोख्त के बादशाह रह गए हैं सरकार गिराने में। और कोरोना में क्या हाल कर दिया पूरे देश का, देश की जनता देख रही है। पेट्रोल से डीजल का रेट इतना ऊपर चला गया, उसको भी देश की जनता देख रही है। अंधभक्ति करना बंद करिए, व्यक्ति भक्ति करना बंद करिए। नरेश जी बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त का अभाव है। बहुत मारवाही के लिए इनके पास कैंडिडेट ही नहीं। मोदी जी को उतार दें मरवाही में, चुनाव में देख लेंगे कौन जीतता है। गुप्ता जी सीधे चैलेंज कर रही है आपको, उसके बाद जीत के दिखाएंगे उसके बाद जीत के दिखाएंगे और मोदी जी का हार दिखाएंगे। गुप्ता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, छोड़ दीजिए। भगवान नायक जी, आपका संक्षेप में कमेंट चाहूंगी, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। हालत खराब कर दिए 15 साल में। भगवान जी संक्षेप में प्रतिक्रिया। देखिए मैंने अभी भी पहले भी कहा कि हमारी पार्टी हमारी पार्टी अभी शोक में डूबी है। और 29 तारीख को एक प्रार्थना सभा का आयोजन हम कर रहे हैं माननीय जोगी जी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। उसके बाद मारवाही हमारे नेता सब जाएंगे, वहां रणनीति बनाएंगे और पूरे दमखम के साथ हम उस चुनाव को लड़ेंगे। केकी जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रस्क छत्तीसगढ़ में अब यूं तो अजीत जोगी के जाने के बाद जेसीसी जे का भविष्य बहुत कोई उज्ज्वल नजर नहीं आता। जो स्पार्क जो बात अजीत जोगी जी में थी वो मुझे व्यक्तिगत रूप से अमित जोगी में नजर नहीं आती। तो जेसीसी जे का आगे का भविष्य तो बहुत ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आता, राजनीतिक भविष्य। लेकिन इस उपचुनाव में जो मरवाही में जोगी जी के अजीत जोगी जी के निधन के बाद हो रहा है, मुझे लग रहा है ये जेसीसी जे के लिए ज्यादा मुफीत रहने वाला है। ये कहा जा रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस मुकाबले में कहीं खड़ी होती नजर नहीं आती। मैं अपनी बात पूरी कर लूं किरण मई जी, तो ये द्विकोणी ही मुकाबला होगा कांग्रेस और जेसीसी जे के बीच में। देखिए इस उपचुनाव के बाद जो भी आम चुनाव होंगे या दूसरे होंगे उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, मेरा मानना है। लेकिन इस उपचुनाव में जेसीसी जे का जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे वो जोगी परिवार का हो चाहे वो जेसीसी जे का हो, उसको सिंपैथी वोट, श्रद्धांजलि वोट जो भगवानु जी कह रहे हैं वो मिलने की पूरी पूरी संभावना है। किरण भाई नायक जी बहुत संक्षेप में। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि शायद थोड़ी बहुत सहानुभूति का आएगा, बिल्कुल असर आएगा, परंतु हम यहाँ पर कांग्रेस के विजन के साथ जाएंगे, कांग्रेस की नीतियों के साथ जाएंगे, कांग्रेस की योजनाओं के साथ जाएंगे और जो हमारा 1.5 साल का कार्यकाल है उस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जाएंगे। कितने वादे हमने किए थे और कितने हमने पूरे कर दिए उसको देश प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान रही है। चाहे किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे सब तरह की योजनाएं हैं, हर योजना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी वालों का जो गाल बजाने का काम है वो चलता ही रहेगा। जो पिछले 15 साल में प्रदेश के किसानों को बोनस नहीं दे पाए, झूठे वादे करके वो सरकार में बने रहे, और अब तो मोदी जी ने पूरे देश का बंटाधार कर दिया है। देश का जो बंटाधार अभी हुआ है कोरोना लॉकडाउन में, नोटबंदी में किया, जीएसटी में किया, लॉकडाउन में किया, और अब तो पेट्रोल डीजल, जब सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल पूरे विश्व में है, वैसी स्थिति में 18 से 19 दिन हो गए और 19 रुपए का रेट बढ़ा दिया है। आज 80 रुपए डीजल का रेट पहुंच गया है, जनता भी सवाल से ज्यादा पहुंच गया है। अगर तो ये तो बहुत बड़े प्रदेशों में टैक्स को कम कर दिया जाता तो शायद प्रदेश की जनता को ही फायदा होता, लेकिन जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमारे मुद्दे कुछ और रहते हैं, जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हमारा सोचना समझने का तरीका भी कुछ अलग रहता है। अगर नरेश गुप्ता जी आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अब तो लगता है नरेश गुप्ता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए। किरणमयी नायक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, भगवानु नायक जी आपका भी शुक्रिया, केके जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
तो मरवा ही उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भविष्य आखिर क्या होगा। अगर जेसीसी जे इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखती है तो ये माना जाएगा कि अजीत जोगी के बिना भी जनता कांग्रेस का अस्तित्व है, लेकिन अगर जनता कांग्रेस को उपचुनाव में हार मिली तो फिर पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी की साख भी इस चुनाव में दाव पर होगी। सत्ताधारी दल के लिए यहां बड़ा मुद्दा पेंड्रा गौरेला बरवाही को जिला बनाने की उपलब्धि हासिल करना होगा, जो काम रमन राज में नहीं हुआ। अजीत जोगी भी इसे अपने शासनकाल में नहीं पूरा करा पाए थे, वो काम भूपेश सरकार बनने पर हुआ है और ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना जाहिर सी बात है जरूर चाहेगी। तो वहीं बीजेपी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए जीत की तमाम संभावनाएं तलाशने में जुटी हुई है। अब इन सब के बीच उपचुनाव में कामयाबी किसे मिलती है देखना वाकई में अहम होगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां सत्ता के लिए होने वाले संग्राम का शोर अब तेज हो रहा है। दतिया जिले की भांजे विधानसभा सीट पर आरएसएस का काफी प्रभाव है और कथित तौर पर संघ ही प्रत्याशी भी फाइनल करता है। हालांकि यहां उपचुनाव है जो दल बदल की वजह से हो रहा है, ऐसे में बीजेपी से टिकट की तस्वीर तकरीबन साफ है, लेकिन कांग्रेस को यहां उम्मीदवार तय करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना होगा क्योंकि टिकट के लिए कतार में तो कई नेता हैं। खैर इस सीट पर फिलहाल किस तरह के सियासी समीकरण हैं, वो कौन ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे और खास तौर पर दल बदलने वाली रक्षा सोरोनिया अगर बीजेपी से चुनावी मैदान में होंगी तो क्या उन्हें जीत मिलेगी या फिर कामयाबी कांग्रेस के हाथ लगेगी, इस पर चर्चा शुरू करें। चलिए उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। दतिया जिले की आरक्षित भांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। यह बीजेपी हाथ का साथ छोड़कर कमल ध्वज थामने वाली रक्षा सरोनिया को मैदान में उतारेगी।